सितंबर में लॉन्च होने वाला है आईफोन 15 का सीरीज और आईफोन के हिस्ट्री में इस बार सबसे बड़ा चेंज होने वाला है आईफोन 15 के सीरीज के अंदर। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। इस बार आईफोन 15 और 15 प्रो में 6.1 इंच का ओलेड पैनल होने वाले है और जो आईफोन 15 प्लस आईफोन 15 प्रो मैक्स है इसमें 6.7 इंच का ओलेड पैनल होने वाले है और इस बार चारों वर्जन में स्लाइटली कर्व डिस्प्ले होने वाले है। लेकिन यहाँ पर जो आईफोन 15 है और आईफोन 15 प्लस है इनमें कोई भी प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं होने वाले है, यानी कि यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिल सकते। और जो आईफोन 15 और 15 प्रो है इनमें ही सिर्फ आपको टाइटेनियम डिजाइन देखने को मिलेंगे साइड में और जो बाकी दो वर्षन है यानी कि आईफोन 15 और 15 प्लस इनमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चारों वर्षन में इस बार डायनामिक आईलैंड होने वाले है और साथ ही साथ जो डिस्प्ले है ये स्लाइटली कार्ब्ड होने वाले है एज की तरफ से। तो ये चारों जो वर्षन है यानी कि आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स इन चारों में ही होने वाले है। और एक अच्छी बात यह है कि इन चारों वर्षन में इस बार यूएसबी टाइप सी होने वाले है। हाँ, फाइनली आईफोन जो है यूएसबी टाइप सी ला रहा है और साथ ही साइड में एक एक्शन बटन होने वाले है चारों वर्षन के अंदर ही और ये एक सॉफ्ट टच बटन होने वाले है और जहां पर आपको हैप्टिक फीडबैक भी मिलता रहेगा जो बिल्कुल आईफोन एसी के जो होम बटन है इसी की तरह ही काम करेगा। और साइलेंट बटन को हटा के इसे प्लेस करने का एक ही मकसद है कि कोई भी मूवेबल बटन जो है ये आईफोन नहीं चाहते है। इससे क्या होता है कि आईफोन का जो ड्यूरेबिलिटी है ये और भी ज्यादा बढ़ जाते है, इसीलिए जो है इस बार एक्शन बटन को लाया जा रहा है। और एक बड़ा चेंज होने वाला है कैमरा में, जहां पर आईफोन 15 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेंगे जो स्लाइटली छोटा होने वाला है आईफोन 15 प्रो के सेंसर से। लेकिन यहाँ पर आईफोन 15 प्रो जो है यहाँ पर इस बार आपको पेरिस्कोप जूम कैमरा देखने को मिल सकते हैं और डेफिनेटली चिपसेट में भी अपग्रेडेशन होने वाले है, जहां पर इस बार A17 बायोनिक चिपसेट मिलने वाला है जो 3 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड होने वाला है, यानी कि आप सोच सकते हो कितना सुपर फास्ट होने वाला है और साथ ही साथ जो बैटरी कंजम्पशन है ये भी बहुत ही कम होने वाला है इस बार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं आपको और जो आईफोन 15 और 15 प्लस है इनमें वही पुराना वाला A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलेंगे आपको। और रिमर्स के मुताबिक आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर एक डार्क रेड एडिशन आने वाला है जो काफी किलर लुक लाएगा, लेकिन जो आईफोन 15 और 15 प्लस है इनमें ऐसा कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं होने वाले है। लेकिन यहाँ पर और एक रिमर्स ये बताते हैं कि आईफोन 15 अल्ट्रा जो है ये भी आ सकते हैं, लेकिन ये लॉन्च होने वाले है 2024 में, ये 2023 में नहीं आने वाले। लेकिन जो परफॉर्मेंस है ये आईफोन 14 के मुकाबले स्लाइटली बूस्टेड होंगे और आईफोन 15 जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको iOS 17 के साथ ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर iOS 17 में एक चेंज शायद ये होने वाले है कि जो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है ये भी इस बार सपोर्टेड होने वाले है, लेकिन ये लिमिटेड होने वाले है यूरोप रीजन पर, यानी कि यूरोप के बाहर जितने भी सारे कंट्रीज है यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होने वाले है। और जो प्राइस है, अगर प्राइस की बात करें तो आईफोन 15 जो है ये $1000 होने वाले है और साथ ही साथ जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है ये होने वाले है $1199 जो यूएस डॉलर में डेफिनेटली होने वाले है और जो यूएस के बाहर के रीजन में है ये और भी ज्यादा हाई प्राइस में सेल होने वाले है। तो गाइस यही था बस इसका रिमर्स वगैरह, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आए तो डेफिनेटली लाइक जरूर देना और साथ ही साथ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।